अरुण शर्मा का देहांत पिछले ही साल हुआ था, तो उनकी याद में उनके दोस्तों ने ये मेमोरियल टूर्नामेंट शुरू किया। एसडीसी जो जिन्होंने जीता है, ये सारे मैचेस उन्होंने यहाँ पर जीते हैं, जहाँ जीतने वाले को बधाई देते हैं। रनर्स अप के लिए भी ये है कि आने वाले समय में वो अपने आप को कैसे और अच्छा डेवलप कर सकें। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फैसिलिटी भी बड़ी अच्छी है, यहाँ अमरजीत जी, इंद्रजीत जी और इनके सारे सहयोगी, वरिंदर चोपड़ा जी, जिन्होंने ये सारे कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए मेहनत करी है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ ही एक चीज़ हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि अपने में से कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी याद को कैसे ताज़ा रखना है, ये इनके दोस्तों से सीखना चाहिए। कि आपको सबको, आयोजकों को और सब पार्टिसिपेंट्स को मैं अपनी ओर से, यूटीसीए की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जब से यूटीसीए को रिकग्निशन मिली है, चंडीगढ़ और उसके आजू बाजू के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए चांसेस हैव रियली बिकम मच मोर एंड मच बेटर। तो जैसे एक माँ को खुशी होती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो एक कोच को, एक गुरु को भी उतनी खुशी होती है कि मेरा सिखाया हुआ प्लेयर आज इंडिया में खेल रहा है, वर्ल्ड में खेल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी आज सबको मिल रही है। सो वन शुड नॉट ओनली दस थिंक अबाउट कि क्रिकेट एज वन पार्ट, बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन मल्टीपल अदर एरियाज। और जो खेलो इंडिया के माध्यम से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अब, और आपको और जान के खुशी होगी कि चंडीगढ़ में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको, जो हमने अभी कोई 4 महीने पहले जिसको एडॉप्ट किया, एंड वो पॉलिसी हमने जो हरियाणा का मानी जाती थी कि बेस्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी है और बेस्ट अवार्ड्स हैं। टुडे यू विल बी हैप्पी टू नो दैट चंडीगढ़ इज इक्विवेलेंट टू दैट एंड इट इज बेटर इन सम वेज देन हरियाणा। पहले चंडीगढ़ के प्लेयर्स को पंजाब से, हरियाणा से खेलने जाना पड़ता था। आज पंजाब हरियाणा के, यूपी तक के प्लेयर्स चंडीगढ़ आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमको यहाँ से खिला लो। ये फर्क क्यों हुआ है? ये फर्क एक यूटीसीए की वजह से, एक अब पॉलिसी जो आई है। यू विल बी हैप्पी टू नो कि जैसे अभी स्केटिंग का ऑल इंडिया हुआ चंडीगढ़ के अंदर, 7 गोल्ड मेडल चंडीगढ़ के आए, और वो सारे प्लेयर्स को कम से कम जो 3-3 लाख रुपए उनको मिलेंगे, पहले उनको 3,000 रुपए मिलते थे। तो जो 3 लाख देते थे उसमें कोई 2 लाख हरियाणा देता था, 1 लाख पंजाब वाले उनका था, हमने उसके अंदर लेवल 3 लाख रखा। तो जो प्लेयर्स इधर उधर उनको जाना पड़ता था, आज वो कहते हैं हम तो चंडीगढ़ से ही खेलेंगे, और चांस भी मिला उनको खेलने का, गोल्ड मेडल भी आया और पैसे भी साथ साथ मिले। तो अपॉर्चुनिटीज आर बिकमिंग ह्यूज नाउ इन चंडीगढ़, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू हैव ब्रॉट मी हियर टुडे टू सी ऑल दिस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। एंड आई विश वंस अगेन ऑल द ऑर्गेनाइजर ग्रेट सक्सेस, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।